माझा प्रखंड के बैकुंठपुर गांव निवासी यह 62 वर्षीय व्यक्ति करीब 22 वर्षों से स्नान नहीं किया है। इसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जितना ही दिलचस्प इसकी कहानी है उतना ही दिलचस्प इनकी प्रतिज्ञा, क्योंकि इसने जो प्रतिज्ञा ले रखी है उसे सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्योंकि इसने जो प्रतिज्ञा ले रखी है उसमें इन्होंने कहा है, जीव हत्या, महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन जैसे विवाद खत्म होगी तभी वो स्नान करेंगे। क्या आपने सुना है कि कोई व्यक्ति करीब 22 वर्षों से नहाया नहीं हो? लेकिन यह सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा हो, लेकिन यह 100% सत्य है। और ये हम नहीं, हमारे बीच वो मौजूद वो व्यक्ति है जिसे हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर इन्होंने यह प्रतिज्ञा क्यों ली और 22 वर्षों से बिना नहाए हुए किस तरह ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हम सीधे तौर पर मिलाएंगे उस व्यक्ति से रूबरू कराएंगे कि आखिर इन्होंने 22 वर्षों ये नहाए क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? धर्मदेव राम। क्या प्रतिज्ञा ली आपने? प्रतिज्ञा हम तीन चीज़ की प्रतिज्ञा ली है, जमीन को, जनाना को, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। टॉपिक जरूर तो जीव हत्या है, ये जीव हत्या नहीं होना चाहिए। जमीन पर कोई खोल खान नहीं करेगा, जनाना को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये तो भक्ति। तो अगर आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? ना, पूरी तो जरूर होगी। कैसे लगता है कि पूरी? हम जानते नहीं पूरा हो जाए, भगवान को कहते हैं पूरा को हो जाए। जब चार आदमी भगवान बने तो कहे ना पूरा भी, शंकर भगवान माने, कृष्ण भगवान माने, महावीर जी बने, राम जी बने, लेकिन राम जी का हम भक्ति कर रहे बने, तो इसे पूरा जरूर हुई। तो कब से आप नहीं नहा रहे हैं? हम 2000 से, हाँ 2000 से नहीं नहा। खाना भी खाते हैं? थोड़ा सा खाते हैं, हाँ अल्प खाना। ऑटोमेटिक आ गया हमारे दिल में, ऑटोमेटिक आ गया कि तुम मेरी यही कारण से तुम अपना, तुमको नहीं नहाते हैं, नहीं खिलाते हैं, तुम ये काम करेगा कि मट नहाएगा, मट खाएगा और तुम हमारा भजन करेगा, हमारा भजन छोड़कर और कोई काम नहीं। ऐसे में तो कई समस्याएं आई होगी आपके साथ, उन समस्याओं कैसे आपने ये काट लिए हैं? बहुत समस्या है, स्वास्थ्य के काट लिए हैं, किसी से कोई हमको मार भी दिया तो हम बता को नौकरी खुद हम करते हैं, वह सब चलाएँ भाई। जब 2000 भर लूँ तब ऐसे नौकरी थोड़ा छाड़ा के काम लग गई और तब तकलीफ लाग। अच्छा 2003 में जनाना मर गई, उसके बाद फिर हम नौकरी छोड़ देने चार में, और नौकरी छोड़ के घर बैठ गए। तो ये आपको विश्वास है कि आप आपका जो प्रतिज्ञा है वो पूरा होगा? हाँ जरूर पूरा हुई, हाँ पूरा विश्वास है कि पूरा हो गई, करें कि हमारा, हाँ भगवान अगर मरे न दिन जल्दी काम ना करेंगे। राम के नाम भाई को दिल में बस, अरे दुनिया में कोई नाम नहीं दिल में बस आई ना देव राम। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी तीन प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होगी तब तक ये नहाएंगे नहीं। और ये प्रतिज्ञा इनकी कब तक पूरी होगी ये तो देखने वाली बात होगी। और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से ये 22 वर्षों से ये नहाए नहीं है, इनके बातों में कितनी सच्चाई है। कई लोगों से और जानेंगे, क्योंकि लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये 22 वर्षों से नहाए नहीं है। और ये प्रतिज्ञा इनकी ऐसी प्रतिज्ञा है जो असंभव दिख रही है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से जीव हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार या जमीन विवाद आए दिन देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ये तीनों इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है। क्या लगता है आपको, क्या ये सही बोल रहे हैं कि 22 वर्षों से नहाया नहीं है? जी जी, नहीं नहाए हैं 22 वर्ष से। अभी तक हम लोग देखते हैं, अभी तक इतना बड़े हो गए हैं, सब देख रहे हैं जो यहाँ पर नहीं कभी नहीं नहाए हैं। इतना तक उनको वाइफ डेट की थी वो उस वक्त ही नहीं नहाए थे, लड़का डेट कर गए वो भी नहाए थे, अभी तक नहीं नहाए हैं। आप क्या कहेंगे? अभी तक फिलहाल में तो अभी डेट हुआ है ना उनके लड़के का, तो अभी भी नहीं नहाए हैं। तो सुना आपने जब घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो स्नान नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति 22 वर्षों से स्नान नहीं करता हो तो आखिर वो कैसे रह पाता है? बहुत सारे लोग एक दिन अगर स्नान नहीं करते हैं तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन ये 22 वर्षों से बिना नहाए हुए जीवन यापन कर रहे हैं और अभी ये स्वस्थ भी हैं। और कोई, जैसा कि बताया जा रहा है कि इन्हें अभी कोई रोग भी नहीं है। अटल बिहारी पांडे, ETV भारत, गोपालगंज।